नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कच्चे आम वाली पानी वाली कुल्फ़ी बनाना बताऊंगा। सबसे पहले मैंने नल वाला पानी लिया है 10 लीटर, जैसे आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ये मैं 10 लीटर पानी को नाप रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या करेंगे फिर आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। ये 10 लीटर पानी लेने के बाद ये मैं 2.5 किलो चीनी डालूँगा, और जितना हम ज़्यादा चीनी डालेंगे उतना ही पानी के अंदर उस पानी गाढ़ा होगा, और जब कुल्फ़ी बनेगी तो स्टिक आर पार नज़र नहीं आएगी कुल्फ़ी में से। ये देख लो, ये है ग्रीन मैंगो ग्रीन एसेंस, कच्चे आम वाला एसेंस, और इसको मैं 4 ढक्कन डालूँगा। इस एसेंस की खुशबू और खाने में पता कैसे लगता है, जैसे किराना दुकान के ऊपर मैंगो बाइट वाली टॉफी मिलती थी वैसे ही है, कैंडी मिलती है ना जो किराना स्टोर के अंदर, मैंगो बाइट सेम वैसा ही इसका फ्लेवर है। 4 ढक्कन हम डालेंगे। 4 ढक्कन डालने के बाद ये हमने लिया सैट्रिक एसिड, ये हम लेंगे 30 ग्राम हम सैट्रिक एसिड लेंगे 10 लीटर पानी के लिए। सैट्रिक एसिड डालने के बाद अब हम कलर डालेंगे, ये है ग्रीन एप्पल, एप्पल ग्रीन कलर है, ये हम थोड़ा सा डालेंगे। ये देख लो आप, ये ऐसे जमा हुआ इसलिए है कि इसके अंदर किसी ने गीली चम्मच डाल दी थी, इसलिए ये जम गया है कलर। आप ऐसी गलती मत करना। ये देख लो, थोड़ा सा हमने कलर डाला और इसको अच्छी तरह से घुमाएंगे और सारी चीज़ों को आपस में मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद हम मोल्ड के अंदर भरेंगे। ये मैं देखो सांचों के अंदर छन्नी की सहायता से सब छान कर भर रहा हूँ पानी को। अब ये देख लो आप, और इसको देख लो पानी ज़्यादा हो गया था, फिर हम पूरा बराबर कर रहे हैं मोल्ड के अंदर। पानी को बराबर करने के बाद ये देखो मैंने लगा दी कैंडी के अंदर, ये आइस लोली वाली कैंडी है, इसका टेम्परेचर -17 से -20-25 तक भी चला जाता है। जितना ज़्यादा हम चलाएंगे उतना ही इसका टेम्परेचर डाउन होता जाता है। ये हमने सारी स्टिक लगा दी, अब हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे बाहर। ये देख लो सारे के सारे हमने मोल्ड लगाए हुए हैं। अब ये जमने में 5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आइस कैंडी में जमने में, और ये कुल्फ़ी है 5 रुपये में बिकेगी। और ये देख लो कितनी बढ़िया कलर निकला है, और आप देख ही सकते हैं इसके आर पार कर देख लो, स्टिक नज़र नहीं आ रही। ये इस कारण ही नज़र आती कि हमने चीनी पूरी डाली है पानी के अंदर, और पानी गाढ़ा हो, जितना पानी गाढ़ा होगा उतनी आपको स्टिक नज़र नहीं आएगी आर पार। अगर पानी के अंदर कई लोग थोड़ी सी चीनी डालते हैं बाकी स्क्रीन डाल देते हैं, फिर उनको उनकी नज़र आएगी आर पार स्टिक। जब आप कुल्फी बाहर निकालोगे तो आर पार स्टिक नज़र आएगी, और कई किनारे में भी स्टिक लगा देते हैं तब भी आर पार नज़र आती है। बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच लगानी है, और चीनी पूरी डालनी है, 2.5 किलो की जगह आप 3 किलो भी डाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तब भी एकदम पानी गाढ़ा हो जाएगा तो स्टिक नज़र नहीं आएगी। स्टिक बीच में लगी होनी चाहिए, बिल्कुल सेंटर में, तब जाके आपकी नज़र नहीं आएगी। और जिसमें पानी के अंदर लिक्विड ग्लूकोज डालना है वो भी डाल सकता है, ये नहीं कि लिक्विड ग्लूकोज डालेगा तो चीनी कम नहीं डालेगा, उतनी ही लगेगी, 2.5 किलो ही। लिक्विड ग्लूकोज इतना मीठा नहीं होता, ना के बराबर मीठा होता है, और वो पानी को ज़्यादा गाढ़ा कर देगा, और स्टोव सॉफ्ट भी बड़ी कर देता है आइसक्रीम को, आइस कैंडी को सॉफ्ट बना देता है। आप डालना है तो डाल भी सकते हो। ये देख लो कितनी सॉफ्ट है हमारी कुल्फी। ये देख लो, इसके बाद हम पैकिंग करेंगे और सीलिंग भी साथ में ही कर देते हैं। पैकिंग और सीलिंग करने के बाद हम डीप फ्रीजर के अंदर इसको रख देते हैं, और अगर किसी ने पानी के अंदर माल्टोज भी डालना वो भी डाल सकता है। ग्लूकोस और माल्टोज सेम है,
कोई डिफरेंस नहीं है, बस उनके रंग और रूप में डिफरेंस होता है। लिक्विड ग्लूकोज चिपचिपा होता है और माल्टो सूखा होता है, बस यही फर्क है, काम सेम है। ये देख लो, मैंने अब दो दिन के बाद आपको चेक करवा रहा हूँ, ये डी फ्रीजर के अंदर रख दी थी, अब दो दिन के बाद मैं आपको चेक करवाने जा रहा हूँ कि कितनी हार्ड हुई है कितनी सॉफ्ट है। दो दिन डी फ्रीजर के अंदर रखी है हमने और तुरंत मैं निकाल के आपको चेक करवाने लगा हूँ। जितना हम स्क्रीम डालेंगे पानी के अंदर उतनी हार्ड होगी, जितनी हम ज़्यादा चीनी डालेंगे उतनी ही ये सॉफ्ट होगी और होंठों से छूते सारी टूट जाएगी। ये चीनी का कमाल होता है, ये देख लो कितनी आराम से टूट रही है और आर पार स्टिक नज़र नहीं आ रही है। ये देख लो कितना प्यारा है, ये देख लो आराम से टूट रही है, कोई ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।